जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजेश जाट आप सभी का एक बार फिर से जेआर डिफेंस एकेडमी उज्जैन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, जो मुझे एक युवा साथी है उन्होंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, जो कि आपको मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ, कि उन्होंने मुझे एक चार्ट सेंड किया है कि सर क्या ये भर्ती रियल में है। तो ये जो चार्ट है इसमें बताया गया है 127 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको गढ़वाल राइफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो रैली डेट बताई है वो 25/10/2020 से लगाकर 27/10/2020 तक की इन्होंने रैली डेट बताई है, और जो रैली की जो वेन्यू है, मतलब जो प्लेस है कहाँ पर होगी, तो इसका जो सेंटर बताया है देहरादून उत्तराखंड में। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले भी एक वीडियो इकोलॉजिकल से रिलेटेड इंटरनेट पर वायरल हुआ था। तो आज मैं आप सभी युवा, कहीं पर भी आप किसी भी जोन के अंदर आते हो, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जो जहाँ पर भी इको लग जाता है, जैसे अगर सिंपल आपको बोला जाए कि डोगरा रेजिमेंट के अंदर भर्ती है तो वो आपके लिए, और जहाँ पर भी अगर आप इकोलॉजिकल यूनिट लग जाता है किसी भी यूनिट के आगे, वो आपके लिए नहीं है, ध्यान रखना। आपको उस सेंटर पर नहीं जाना है। अब वो किसके लिए है ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो वहाँ के जो लोकल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, उनको एलिजिबल किया जाता है वो वहाँ पर। और दूसरी चीज़, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो रिटायरमेंट जो सर्विसमैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए ये वैकेंसीज होती है। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या एक्स सर्विसमैन के लिए क्यों, वो तो ऑलरेडी सर्विस दे चुके हैं। तो देखिए, आप जानते हैं इंडियन आर्मी में आप 17.5 से 23 साल तक भर्ती हो सकते हैं, और आप 15-16 साल तक की एज तक वहाँ पर आपका जो भी वहाँ पर टाइम पीरियड है वहाँ तक आप सेवा देकर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो इच्छुक जो सोल्जर्स होते हैं, रिटायर्ड सोल्जर होते हैं, तो वो अपनी सेवा टीए में दे सकते हैं, इसके लिए ये ऑप्शंस वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इकोलॉजिकल यूनिट मतलब आपको नहीं जाना है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अभी एक देहरादून में हुई थी 108 महार रेजिमेंट के अंदर, वो इकोलॉजिकल यूनिट आपके लिए नहीं है दोस्तों। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन सटीक प्रोवाइड करवाता हूँ, और हमारे कुछ युवा भी हैं जो अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं, वो भी मुझसे बराबर कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और मुझे हर एक रैली के बारे में अपडेट भी करवाते हैं, और हम मुझसे कन्फर्म भी करते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे युवा जो कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं सागर से, खटीक जी, हितेंद्र खटीक जी, वो भी अप टू डेट जो भी टीए की भर्ती आती है मुझे अप टू डेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, और वो भी बहुत सारी सेंटर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। तो उनको भी काफ़ी अनुभव है टीए से रिलेटेड। बहुत से ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं, वो आपको गुमराह करते हैं दोस्तों, आपको नहीं जाना है वहाँ पर सेंटर में, आप पहले भर्ती कंफर्म कर ले, क्योंकि देखिए बहुत दूर होते हैं टीए के सेंटर। आप मेहनत करते हो और अगर वहाँ जाते हो और भर्ती नहीं निकलती है तो बहुत अखड़ती है, आपका जो रनिंग का शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है, आने जाने में आपकी बॉडी बहुत थक जाती है, जो आपका जो डेली का रूटीन है वो बिगड़ जाता है। तो उसके बाद बात करूंगा मैं, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है 151 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट, जो कि 20 मार्च से 27 मार्च 2020 तक इन्होंने रिक्रूटमेंट डेट बताई है कि इस से इस तारीख तक को वहां पर रैली होना है, और इसकी जो जगह है वो भुवनेश्वर बताई गई है। तो और दूसरी एक और चीज़ है 153 इन्फेंट्री बटालियन टीए डोगरा, जो कि 8 फरवरी से 14 फरवरी 2020 यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ में 8 दिन बाद ये भर्ती बताई गई है, और इसका जो सेंटर है वो रायपुर में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है ये कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको नहीं बताई गई है, ये गूगल से डाउनलोड की गई है, और यहाँ पर एडिटिंग किया हुआ पेज है ये, एक बात ध्यान रखना। बहुत सारे गूगल पे आपको पेज मिल जाएंगे, अगर आप टीए डालेंगे ना, टीए भर्ती 2020, तो आपको वहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाएगी टीए के भर्ती के शेड्यूल के बारे में, जो कि टेंटेटिव डेट है कि इस डेट से इस डेट। देखिए संभावित सारी चीज़ें अपने में से ही कोई है जो एडिट करके वहाँ पर डाल देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है वो बना के वहाँ पर अप टू डेट एडिट करते रहते हैं, बट वो एक संभावित, देखिए वहाँ आपके लिए ही वो चीज़ें करते हैं ताकि आप भी मेहनत करो, कंटिन्यू रहो, आपको ये पता रहता है कि यार कहीं ये भर्ती सच निकल गई हो। तो देखिए आप हमेशा अपनी तैयारी जारी रखें, बट हाँ अगर जैसे ही रैली कंफर्म होगी, अगर जो सही चार्ट भर्ती का एक ऑफिशियल चार्ट निकलता है लोकल न्यूज़पेपर में, वो वहाँ अगर जब निकलेगा तो वो वीडियो जैसे ही होगा हम आप
आपके लिए तुरंत अपलोड कर देंगे और आप वहाँ पर भर्ती देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो बहुत ही सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे चैनल से जुड़े रहिए और कंफर्म कर लीजिए, 3-4 जगह से पहले कंफर्म करिए, क्योंकि हर बंदा जो भी चैनल्स टीए के बारे में बताते हैं वो कहीं ना कहीं सोर्सेज से पता करते हैं और आपके लिए पूरी छानबीन करके ना फिर वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप ऐसे चैनल से पहले अच्छे से जो आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये सही इन्फॉर्मेशन देते हैं टीए के बारे में, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करें। यकीन मानिए वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या जिस इस चैनल के माध्यम से भी हम आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे चैनल से जुड़ें और पहले कंफर्म करें फिर जाया करें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और अगर आप वहां जाएं रियल भर्ती हो तो आप वहां पर अपना बेस्ट दे सके और आपको निराशा हाथ ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भर्ती है ये अभी कोई एग्जैक्ट भर्ती नहीं है, आप और थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च करें। मैंने फिर पहले अभी बोला है कि अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे आपको लगते हैं कि यार हाँ ये सही और सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं उनको फॉलो करें और वहां से जानकारी पूरी निकालें उसके बाद जाएं। और इकोलॉजिकल यूनिट में आपको जाना ही नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है, वो एक सर्विसमैन के लिए हैं और वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स उनके लिए। और इसी तरीके से अगर आपको टीए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, रनिंग से रिलेटेड टिप्स या टीए की भर्ती के बारे में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें जो भी इस फील्ड की तैयारी करें, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले, टीए के बारे में पता चले कि यार टीए में भी 18 से लगाकर 42 साल तक लेते हैं और जो हाइट होती है वो 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए, बट इसमें भी 2 सेंटीमीटर हाइट अब बढ़ाकर लेने लग गए हैं, मतलब मिनिमम आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आप पहली बार चैनल पर है विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।